प्रमेय दो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्यारे बच्चों, अभी आपने एक प्रमेय सिद्ध किया जिसमें आपने ये देखा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यह आपने एक प्रमेय पढ़ा था। अब इस प्रमेय का विलोम हम देखना चाहते हैं। विलोम में हम ये कह सकते हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी हम यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि यदि कोई त्रिभुज ए बी सी है और एक रेखा पी क्यू इस तरह से खींची गई है कि वो भुजा ए बी और भुजा ए सी को एक ही अनुपात में बांटती है, यानी ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी है, तो उस स्थिति में पी क्यू बी सी के समानांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रमेय को सिद्ध करने में खास बात है कि जो बात हमें सिद्ध करनी है, जो कथन हमें सिद्ध करना है, उसको हम खुद ही नकारते हैं और वहां से अपनी बात शुरू करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति में सबसे पहले हम ये मानेंगे कि मान लें कि पी क्यू बी सी के समानांतर नहीं है और हम सिद्ध करना चाहते हैं कि वह जो पी क्यू है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस बात को जरा गौर से समझें कि जो बात हमें सिद्ध करनी है उसका निषेध हम कह रहे हैं, उसका नकारते हुए हम अपनी बात कह रहे हैं कि मान लें पी क्यू बी सी के समानांतर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि कोई दूसरी रेखा और होगी, मान लीजिए वो रेखा पी क्यू डैश है जो निश्चित रूप से बी सी के समांतर होगी। तो ये बात आप यहाँ पर लिख लें कि त्रिभुज ए बी सी में रेखा पी क्यू इस तरह से खींची गई है कि वो ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है तो पी क्यू बी सी के समानांतर नहीं है। तो हम इसको पहले लिख लें कि मान लें पी क्यू बी सी के समांतर नहीं है, तो ऐसी कोई ना कोई रेखा होगी जो बी सी के समानांतर होगी। तो मान लें वो नई रेखा पी क्यू डैश है, तो ऐसी स्थिति में हम लिख लें कि पी क्यू डैश समानांतर है बी सी के। तो हमने पी क्यू डैश की रचना कर ली और हमने ये मान लिया कि वो बी सी के समानांतर है। तो हम यहां पर भी लिखें कि मान लें पी क्यू डैश एक ऐसी रेखा है जो बी सी के समानांतर है। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बात हमें दी गई है उसको गौर से देखें कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इस पर यदि हम गौर करें तो ये बात हमको यहाँ पर इस तरह से मिलेगी कि रेखा पी क्यू है वो रेखा जो त्रिभुज की भुजाओं को ए बी और ए सी को क्रमशः ए पी और पी बी और ए क्यू और क्यू सी के अनुपात में बांट रही है और ये अनुपात बराबर है। तो ये जो कथन का पहला हिस्सा दिया हुआ है उसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। मान लें ये कथन एक है। अब आप इस बात को देखिए जो हम मान के चल रहे हैं कि मान लें पी क्यू डैश एक ऐसी रेखा है जो बी सी के समानांतर है। तो आधारभूत प्रमेय हमें यह कहता है कि यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर है तो वह शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी, ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी। मान लीजिए कथन दो है। अब इन दोनों कथनों को आप गौर से देखिए, बायां पक्ष ए पी बटे पी बी और यहाँ पर भी बायां पक्ष ए पी बटे पी बी। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इन दोनों कथनों के दाहिने पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो इनको हम लिख लें यहाँ पर ए क्यू बटे क्यू सी बराबर
ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी। हमने इन दोनों कथनों के दाहिने पक्ष को एक दूसरे के बराबर लिखा, ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी। अब यदि दोनों पक्षों में हम एक जोड़ दें तो समीकरण बराबर ही रहेगा, तो हमको मिलेगा ए क्यू बटे क्यू सी धन एक बराबर ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी धन एक। और यदि आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा ए क्यू धन एक गुणित क्यू सी यानी क्यू सी बटे क्यू सी। तो ये बाएं तरफ का कथन हम यहाँ लिखें, ये हमको मिलेगा ए क्यू धन क्यू सी बटे क्यू सी, और दाहिनी तरफ मिल जाएगा हमको ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी बटे क्यू डैश सी। अब आप देखिए ए क्यू और क्यू सी ये पूरा का पूरा ए सी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको ए सी बटे क्यू सी बराबर ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी, ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी ये भी पूरा का पूरा ए सी के बराबर है, तो इसके बदले आप लिख सकते हैं ए सी बटे क्यू डैश सी। अब आप देखिए कि यहाँ बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में ए सी बटे क्यू सी बराबर ए सी बटे क्यू डैश सी है, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू सी और क्यू डैश सी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों भिन्नों के अंश बराबर हैं और दोनों भिन्ने आपस में बराबर हैं, तो इनके हर भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्यू सी बराबर क्यू डैश सी। अब आप देखिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो क्यू सी है वो क्यू डैश सी के बराबर है, और ऐसा कब संभव होगा, जब क्यू और क्यू डैश एक ही जगह पर होंगे, दोनों एक ही बिंदु होंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। यानी ये जो पी क्यू डैश था जिसको हम कह रहे थे बी सी के समानांतर है, वो तभी और तभी संभव होगा जब वो क्यू की जगह पर हो या क्यू क्यू डैश की जगह पर हो या दोनों एक ही स्थान पर हो। तो अब इस कथन के आधार पर कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वही पी क्यू डैश है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने ये जो मान के चल रहे थे कि पी क्यू समानांतर बी सी के नहीं है, वो इस कथन को एग्री नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्यू और क्यू डैश दोनों एक ही जगह पर हैं, और यह बात साबित होती है कि जो पी क्यू है वो बी सी के समानांतर है। तो ये बात सिद्ध हुई कि पी क्यू समानांतर है बी सी के। तो ये कथन हमें सिद्ध करना था कि यदि कोई रेखा इस तरह से खींची गई है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी, ये बात ये कथन यहाँ सिद्ध होता है।